सो गाइस, वीडियो बनाते बनाते हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक लो बजट वाला पीसी बनाना चाहते हैं। मतलब उन्हें अपने पसंदीदा गेम्स खेलने होते हैं, उनका जो बजट होता है वो अराउंड 10 से 20 हज़ार के अंदर ही होता है। ये चीज़ हमें इसलिए पता चली ना कि हमारा 10 हज़ार 12 हज़ार वाला गेमिंग पीसी का वीडियो है, उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो सिमिलर पीसी बिल्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ ये 15 हज़ार का गेमिंग पीसी, और ये जो गेमिंग पीसी है ना वो हमारे पिछले वीडियो में जो हमने पीसी बताया है उनसे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो मार्केट का काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद हमने फाइनली ये पीसी कंपोनेंट्स अरेंज किए हैं और ये पीसी हमने बना लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कौन से कंपोनेंट्स हमें कौन से प्राइस पे मिले हैं, और इसके बाद हम इसमें गेम्स खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है इस पीसी में। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये सेम पीसी आप इजी वे में कैसे बनाते हो, आपको मार्केट घूमने की भी जरूरत नहीं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने सीपीयू कौन सा यूज़ किया है। तो सीपीयू हमने यूज़ किया है इंटेल i5-3340 यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ i5। ये सीपीयू आता है 4 कोर और 4 थ्रेड के साथ। ये तकरीबन आपको 1400 रुपए में मिल जाता है और जो प्राइस पे मिलता है ना उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। इवन आप i7 भी यूज कर सकते हो, बट उसकी प्राइस अराउंड 2900-3000 तक पहुंच जाती है। तो अपने 15000 के बजट के अंदर रहने के लिए मैंने i5 थर्ड जन यूज किया है, और उसके साथ जो हमने मदरबोर्ड लिया है वो है H61। ये मदरबोर्ड आपको यूज मार्केट में मिल जाएगा अराउंड 2000 रुपए का। फिर हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चूज करना था जो कि था ग्राफिक कार्ड, जो कि अपना गेमिंग परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है RX 570। ये एक बहुत ही सही ग्राफिक कार्ड है अपने टाइम का। ये ग्राफिक कार्ड मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिया था, 5600 इसका प्राइस मिला मुझे। ग्राफिक कार्ड 1080p गेम के लिए बहुत ही सही है अपने बजट के हिसाब से। यहाँ पे हमने 16GB रैम यूज किया है, 8GB के 2 स्टेक जो कि हमें 1600 के अराउंड मिले हैं। हमने यहाँ पे SSD ली है 500GB की 2000 रुपए की, प्लस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट का VS600L पावर सप्लाई। आप इस केस में 500L भी यूज कर सकते हो, बट मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। इसकी भी कीमत आपको अराउंड 2000 तक मिल जाएगी। फिर बात आती है कैबिनेट की। कैबिनेट आपको पहले से पता, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि ये 300 रुपए का मैंने लाया था। इसकी कंडीशन तो उतनी सही नहीं है, बट अपने बजट के लिए काफी सही है, अपना काम जो है ना वो आराम से हो जाता है। तो इस बिल का जो टोटल खर्चा मुझे लगा वो था 14900 रुपए। तो चलिए इसमें कुछ गेम्स खेलते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आपको इस पे मिलने वाली है। तो सबसे पहला गेम जो हमने खेला ना वो था Witcher 3, जो कि हमने खेला मीडियम सेटिंग पे। इस गेम में हमें 56 एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, जो कि काफी प्लेएबल है, आप आराम से इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। फिर हमने खेला मेट्रो एक्सोडस, जो कि हमने खेला लो सेटिंग में, जिसमें हमें 73 FPS देखने को मिल रहा था। फिर हमने खेला साइबर पंक में हमने FSR डिसेबल करके खेला ताकि हमें एक्चुअल कैपेबिलिटीज पता चले इस GPU की। तो लो प्रीसेट पे साइबर पंक में हमें मिलता है 43 FPS के अराउंड, जो कि काफी डिसेंट एक्सपीरियंस है, आप आराम से इस गेम को खेल सकते हो। तो हमने जो नेक्स्ट गेम खेला उसमें आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो कि था GTA 5। GTA 5 के जो नॉर्मल सेटिंग में हमें रिजल्ट मिला वो था 102 FPS का, जो कि एक बहुत ही सही फ्रेम रेट है, आप आराम से इस गेम को 1080p में एंजॉय कर सकते हो। फिर हमने खेला मेरा पर्सनल फेवरेट RDR2। इस रेड डेड रिडेम्पशन 2 में ना ये 64 FPS दे रहा था लो सेटिंग पे, जो कि बहुत ही सही है, क्योंकि RDR2 एक हाई ग्राफिक वाला गेम है जो कि 15000 के मशीन में इतने अच्छे से चल रहा है, बहुत ही सही बात है ये। बट यहाँ पे मैंने CSGO और Valorant का बेंचमार्क नहीं किया, बट वो बहुत अच्छे से चल रहे थे, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था, वो भी हाई FPS पे। तो मुझे थोड़ा CPU का भी परफॉर्मेंस टेस्ट करना था, तो यहाँ पे है इसके Cinebench स्कोर्स, और यहाँ पे मैंने एक पुराने फाइल को रेंडर करके भी देखा, मेरा प्रीमियर प्रो फाइल को, वो एक 4K फुटेज था, स्टिल वो 13 मिनट के अराउंड रेंडर हो गया। तो इस पे आप हल्की फुल्की एडिटिंग भी कर सकते हो 1080p लेवल की। तो सारे कंपोनेंट्स बता दिए, गेम्स बता दिए, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे खरीदना कहाँ है और कैसे बनाना है इसे। तो आप चाहें तो ऐसे ऑफलाइन मार्केट में एक एक पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट प्राइस पे आपको मिल सकता है। बट अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो Computify.in पे, वहां पे उन्होंने इस सेम पीसी बिल्ड का एक कॉम्बो रेडी किया हुआ है, वहाँ पे आपको कॉम्बो में ये सारे ही प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बस आपको कैबिनेट जो है वो अलग से बाय करना पड़ेगा, कि वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा उस कॉम्बो में। और अगर आप हमारा कूपन कोड टेक बैटल यूज करते हो ना, तो आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान से लेते टाइम हमारा कूपन कोड जरूर यूज करना। और गाइस एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, जो कि फ्री है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आप ये पीसी बिल्ड बनाते हो तो मुझे DM में फोटो जरूर भेजना, उसकी इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।